अस्सलाम वालेकुम मदर लैब क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा उनवान है, आज का हमारा उनवान है हर्फ हे। हे की आवाज़ क्या होगी? हा। हे की आवाज़ क्या होगी? हा। हमारे पास दो सलाहते हैं, सुनने और बोलने की मुतवक्का हासिलात तालुम। हमारा सबसे पहला है ये लो, इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया के नाम बता सकें, नुक्ते मिलाकर हरूफ तहजी मुकम्मल कर सकें, उर्दू हरूफ तहजी की पहचान की इब्तदा कर सकें। नोट पर आए वालदैन, वालदैन के लिए नोट है, मोहतरम वालदैन दिए गए QR कोड में मौजूद वीडियो देखें और बच्चे को भी दिखाएं। ज़ेल में दिए गए सवालात सरगर्मियाँ मिलकर हल करें। ज़ेल में दी गई तस्वीर देखें और बताएं कौन से रंग की और इसे घर में कौन और कैसे इस्तेमाल करता है। वीडियो बनाकर अपने उस्ताद को भेजिए, अगर भेज दिया है तो स्माइली फेस में कलर करने, अगर नहीं भेजी तो नहीं भेज, सैड फेस में कलर करने। नेक्स्ट हमारे पास है वालदैन की मदद से दिए गए खानों में हे से शुरू होने वाली अशिया की तस्वीर चस्पा करें, जिनका जिक्र वीडियो लेक्चर में हुआ है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें खुद भी इन खानों में तस्वीर बना सकते हैं हर्फ हे से बनने वाली अशिया की। जैसे मैंने हेहा हलवा, हेहा हज, तीसरे खाने में हेहा होज, होज किसे कहते हैं? पानी के तालाब को। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास दो सलाहते हैं सुनने और लिखने की मुतवक्का हासिलात तालुम है, नुक्ते मिलाकर हरूफ तहजी मुकम्मल कर सकें, उर्दू हरूफ तहजी की पहचान की इब्तदा कर सकें। उनवान है हमारा नुक्ते मिलाकर हर्फ हे लिखें। हम नुक्ते से नुक्ते मिलाकर हमारा हर्फ कौन सा बन जाएगा? हर्फ हे। हे हेहा हिजाम, हेहा हलवा, हेहा होज, हेहा हज। इसी तरह प्यारे बच्चों आपने हे हर्फ की लिखाई मुकम्मल करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।